अभी हम हैं कंकड़बाग कॉलोनी में, पटना के कंकड़बाग कॉलोनी में, और कंकड़बाग कॉलोनी के पीसी कॉलोनी में उस जगह पर है जहाँ पर मेदांता हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चल रहा है। काफ़ी दिनों से मेदांता का अपडेट है आप लोगों के द्वारा मांगा जा रहा था, तो आज हम मेदांता का अपडेट देने के लिए कंकड़बाग आ गए हैं। मेदांता हॉस्पिटल का अपडेट यही है कि ये अगले 6 महीने में, मतलब आज जो 6 महीना आने वाला है उसमें लगभग कुछ पार्ट इसका स्टार्ट होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, और पूरा कंप्लीट होने में इसे 1 से 1.5 साल लगेगा। 2015 में इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों किया गया था, और ट्रिपल पी मोड पे इस हॉस्पिटल का निर्माण चल रहा है। मेदांता एक बहुत बड़ा नाम है स्वास्थ्य की दुनिया में, और इसका निर्माण कर रहा है, इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो है शाहपुरजीत पालन, जो पटना के बस स्टैंड का निर्माण कर रहा है और नालंदा में भी निर्माण कर रहा है। तो अपडेट यही है मेदांता का। अब आप सोच रहे हैं कि हम यहीं से इसका वीडियो क्यों दिखा रहे हैं इस बिल्डिंग का। आप देख सकते हैं बिल्डिंग पीछे जो है ये 10 मंजिला बिल्डिंग होगा, और इससे स्वास्थ्य के कई सेवाएं यहां पर दी जाएगी। इस बिल्डिंग के बारे में तो बता ही दिए, अब इसका हम वीडियो आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि अंदर गया तो पता चला कि इसका वीडियो हम नहीं ले सकते हैं, हम नहीं दिखा सकते हैं, इसकी तस्वीर हम नहीं ले सकते हैं। तो इन्होंने सीधे तौर पे मना किया है और कहा कि अगर आप तस्वीर दिखाना चाहते हैं तो आपको मेरे डायरेक्टर से दिल्ली में बात करनी होगी, तो उतना तो समय है नहीं, मुझे तो अपडेट देना है और क्या स्थिति है उससे आपको ही मतलब है। तो अपडेट यही है कि अगले 6 महीने में इसका कुछ पार्ट चालू होने की संभावना है, और 1.5 साल में पूरा कंप्लीट होने की संभावना है। तो हम आपको लगातार एक बात और बता दें कि ये जो वेदांता हॉस्पिटल बन रहा है, ये यहाँ पे पहले जयप्रभा हॉस्पिटल हुआ करता था, और बिहार सरकार और मेदांता मैनेजमेंट के बीच में एक MOU पर दस्तखत हुआ है, और फिर मेदांता का निर्माण शुरू हुआ है। लगभग 300 बेड का ये हॉस्पिटल है होगा। तो यही अपडेट है, तो 6 महीने और इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप इसका लाभ ले सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपको लगातार बिहार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, बिहार में हो रहे कामों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बिहार के विकास की तस्वीर आप तक, यानी कि मेरा अपडेट आप तक पहुंचता रहे, उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इंद्रसेन का प्यार नमस्कार, जय भारत, जय भारत।